नमस्कार, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू और आज हम करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट मोटो G5 प्लस का। आपको बता दें मोटो G5 प्लस का बैटरी है 3000 mAh का और ये सपोर्ट करता है टर्बो चार्जिंग को। तो अब देखना ये है कि मोटो G5 प्लस 0 to 100% कितनी देर में चार्ज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये फोन अभी स्विच ऑफ है और ये है फुली डिस्चार्ज फोन। और अब हम देखेंगे मोटो के टर्बो चार्जर से कि ये कितनी देर में फुल चार्ज होगा। अगर बात करें मोटो के चार्जर की तो यहाँ पे आउटपुट मेंशन है स्टैंडर्ड आउटपुट 5 वॉल्ट 1.6 एम्पीयर और यहाँ आप देख सकते हैं टर्बो 1 और टर्बो 2 आउटपुट भी मेंशन है जो कि 9 वॉल्ट और 12 वॉल्ट है। तो चलिए इसको लगाते हैं चार्ज पे और देखते हैं कि कितनी देर में 0 to 100% मोटो चार्ज हो जाता है। तो देखा आपने मोटो G5 प्लस को कंप्लीट चार्ज होने में लगा 2 hours and 11 minutes का टाइम, मींस ऑलमोस्ट 131 minutes यहाँ पर इसको फुल चार्ज होने में लग गए। तो अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो आपको लगभग 2 घंटे आपके फोन से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन इससे कुछ ज्यादा थी। मुझे लगा शायद 90 minutes मीन 1 hour and 30 minutes में ये चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो। तो आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस बटन पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।